वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम रीजनिंग के सेकेंड वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम एग्ज़ाम से रिलेवेंट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो। रीजनिंग के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इन क्वेश्चन सम ऑफ इक्वेशन आर सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम, फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर द अनसॉल्व क्वेश्चन ऑन दैट बेसिस। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमें पहले से दो जो होते हैं ऑप्शन करके दिए रहते हैं और तीसरा को हमें उसी के अनुसार बनाना होता है। तो जैसे पहले में दिया हुआ है 6 × 4 × 5, ठीक है, और इक्वल टू हमें दिया गया है 4 5 6, ठीक है। दूसरा में दिया हुआ है 3 × 2 × 8 इक्वल टू 2 8 3, ठीक है। जैसे आप समझ ही गए होंगे क्या किया गया है, जो बीच वाला वैल्यू है उसे पहले लाया गया है। तो हम लास्ट वाले में से करेंगे, बीच वाले को पहले लाएंगे तो 9, और जो लास्ट वाला है उसे बीच में लाया है। लास्ट में क्या है, इसमें 3 है, तो 3 को बीच में लाएंगे, और जाहिर सी बात है बच्चा पहला यानी पहले को लास्ट में ले गया है, तो पहले को लास्ट में ले गया, यानी हमारा जो आंसर होगा 3 9 3 4, यानी 9 3 4 आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है एक करेक्ट सीरीज, एक सीरीज को फॉलो करना और बताना है कि नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, नेक्स्ट जो सीरीज होगा वो क्या होगा। जैसे दिया हुआ है CAE, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है HFJ। वैसे हम इस दो को देख के पता लगा सकते हैं कि आखिर सीरीज कैसे बनाया गया। जैसे सी स्टैंड फॉर 3, ए का 1 होता है, ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, एफ का 6 होता है और जे का 10 होता है। तो देखिए इसमें इसमें क्या रिलेशन है, 3 + 5 8 1 + 5 6 और 5 + 5 10, यानी कि सारे में 5 को ऐड किया गया है। सिमिलरली हम लास्ट वाले में 5 5 ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो लास्ट में हमारा क्या दिया हुआ, R, इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो R का 18 होता है और 5 कितना हो जाएगा 23 फॉर W, ठीक है। उसके बाद P होता है 16 16 में 5 ऐड करेंगे तो 16 5 आपका हो जाता है 21 21, कितने का होता है U का 21 होता है। उसके बाद T फॉर 20, और इससे हम याद रख सकते हैं जैसे T20 मैच होता है तो T20 होता है, उसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, यानी 25 फॉर Y, यानी WUY। देखते हैं WUY कहाँ है, पहले नंबर पर है WUY, तो हमारा आंसर हो जाएगा WUY। चलिए फ्रेंड अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, विच इंटरचेंज ऑफ साइंस विल मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। इसमें एक इक्वेशन दिया रहता है जिसमें हम ऑप्शन के थ्रू से सॉल्व करना होता है साइन को चेंज करके। चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन है, 16 4 16 − 4 × 6 / 2 + 8 = 30 दिया हुआ है। तो हमें देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन से इक्वल टू 30 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, तो 16 माइनस की जगह पे हमें डिवाइड करना है, डिवाइड 4 × 6, डिवाइड की जगह माइनस लेना है तो -2 और प्लस की जगह प्लस रखना है 8, ठीक है। तो सबसे पहले 16 से 4 डिवाइड होगा तो 4 × 6 − 2 + 8, जैसे आप देखिए इसका हो जाएगा 24 − 2 + 8, तो 24 में से 2 जाएगा 22 और + 8 = 30, यानी कि पहला इक्वेशन जो सेटिस्फाइड हो रहा है हमारे हमारे इस क्वेश्चन के लिए, तो पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड,
बहुत इजी होता है इस टाइप के क्वेश्चन, बट वही होता है कि कितना जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कोड दिया हुआ है, जैसे कंप्यूटरॉन लिखा है उसके उसे हम उसे दूसरी भाषा में रिटेन एस लिखा हुआ है, एक दूसरा हमें बताना है कि जो एडवांटेज है उसे हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या किया गया है ना, इसमें कुछ लेटर को इंटरचेंज कर दिया गया है। जैसे दिया हुआ है आपका, देखिए COMPUTRONE, ठीक है। तो देखिए क्या किया गया, जो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट फोर लेटर है ना, उसे सीधे रिवर्स कर दिया गया, यानी लिखा गया है PMO और C, और जो दो लास्ट है ना, बीच वाले दो हैं, इसे भी रिवर्स कर दिया गया, यानी T और U कर दिया गया, और लास्ट में जो चार बचते हैं इसे रिवर्स कर दिया गया, यानी कि ENO और R, ठीक है, ऐसे लिखा गया। हम सेम अगले वाले पे करेंगे और बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। तो देखिए हमने क्या किया, हमने किया कि पहले फर्स्ट फोर को हमने उलट दिया, तो फर्स्ट फोर क्या हो जाएंगे, A V D और A, और फिर जो दो वाल बीच में दो बचते हैं N और T, उसे भी रिवर्स करना, तो T और N हो जाएगा, और लास्ट के फोर को फिर से रिवर्स कर देना है, यानी लास्ट के फोर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, S E और G और A, ठीक है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, T और N S E G, यानी दूसरा नंबर जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन एक सीरीज दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है 9, 17, 31, 57 और 205। बताना है हमें 57 के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 17 दिया हुआ है, यहाँ पे 31 दिया हुआ है, यहाँ पे 57 दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है कि क्या आएगा, यहाँ पे 205 दिया हुआ है, ठीक है। फ्रेंड सबसे पहले हम सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए सीरीज में क्या किया गया, इसको डबल करके -1 कर दिया गया, यानी इसको डबल करेंगे तो 18 -1 17, इसे डबल करेंगे तो क्या आएगा, 62 में से, सॉरी फिर इसको डबल करेंगे तो क्या आएगा, 17 2 34 में से 3 माइनस कर दिया तो 31, ठीक है। और फिर इसमें से हम इसे डबल करेंगे तो 62 में से 5 माइनस कर दिया तो 57, यानी कि क्या कर रहा है ना, पहले डबल कर रहा है और फिर दो दो के अल्टरनेटिव को माइनस कर रहा है। तो नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, 57 को डबल कर देंगे, यानी डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 114 आ जाएगा, और इसमें से हमें 7 माइनस करना होगा, क्योंकि 5 तक हमने माइनस कर दिया था, अब दो आगे बढ़ा के 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 107। तो जो हमारा आंसर है 107। अब हम देखेंगे नेक्स्ट करके कि क्या है, सेटिस्फाइड हो रहा है, सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करेंगे, फिर 107 जो है उसे डबल करेंगे। तो 107 को जब हम डबल करेंगे, इसे हम पहले रफ कर लेते हैं, देखिए उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। जैसे 107 को हम डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 214 आ जाएगा, और माइनस में 9 करना है, ठीक है। -9 करेंगे तो 205 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो सीरीज है सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है एक वेन डायग्राम से, ये काफ़ी इजी होता है बट कभी कभी गलत भी हो जाता है, तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बुक्स, नोबल एंड डिक्शनरी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे, एक हम बुक के लिए बना लेंगे, जैसे हमें पता है कि बुक और नोबल और डिक्शनरी एक होता है, तो जो है बुक हो गया हमारा, ठीक है, और इसके अंदर बुक के अंदर ही आता है हमारा नोवेल, तो नोवेल के लिए ये हो गया, और डिक्शनरी भी इसके अंदर आता है, डिक्शनरी के लिए हो गया। देखिए सिमिलर हमारा ऑप्शन 4 है, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड है। वेन डायग्राम में बोला है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑल दोज पीपल हु कैन स्पीक बोथ तमिल एंड तेलुगु। इसमें तीन दिए हुए हैं, तेलुगु है, तमिल है और इंग्लिश है।
ये तीन तरह के लोग हैं जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ एक बोलते हैं, कुछ तीनों बोलते हैं, कुछ दोनों बोलते हैं। तो हमें बताना है कि दो लैंग्वेज जो तमिल और तेलुगु है वो कितने लोग बोलते हैं। तो देखिए, तमिल और तेलुगु ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये जो डिनोट कर रहा है तेलुगु कर रहा है, तमिल का कर रहा है, और ये इंग्लिश का कर रहा है। तो देखिए जो यहाँ पे 12 है, 12 दोनों में है, तमिल में भी है और तेलुगु में भी है। और ये जो 9 है वो भी तमिल और तेलुगु दोनों में है, यानी 12 और 9 ऐसे पर्सन हैं जो कि दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, यानी आपका 21, 21 जो है वो दोनों बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, ऑप्शन इसके नहीं है, बट इसके आंसर 24 ही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से रिलेटेड है। इन द गिवन फिगर विच लेटर रिप्रेजेंट दोस नर्स हु आर डॉक्टर एज वेल एज फार्मिस्ट। इसमें बताना है कि कौन सी नर्स है जो डॉक्टर भी है और एज वेल एज फार्मिस्ट भी है। तो देखिए जो ट्रिंगल डिनोट कर रहा है ना डॉक्टर को कर रहा है, जो सर्कल डिनोट कर रहा है फार्मिस्ट को कर रहा है, और जो ये रेक्टेंगल है वो डिनोट कर रहा है हमारा नर्स को। तो देखिए इसमें जो आर है, आर ठीक है, आर है वो ट्रेंगल, यानी कि डॉक्टर तो है ही, साथ में नर्स भी है और फार्मेस्ट भी है। अगर आप सोच रहे हो कि ओ, तो ओ देखिए, ओ नर्स, ओ तो डॉक्टर तो है और नर्स भी है, बट फार्मेस्ट नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। अगर आप एन के बारे में सोच रहे हैं तो एन देखिए डॉक्टर है तो ना ही फार्मेस्ट है, लेकिन आर देखिए, आर डॉक्टर भी है क्योंकि रेक्टेंगल के, सॉरी ट्रेंगल के अंदर भी आ रहा है, और यहाँ पे जो आर है ट्रेंगल के अंदर भी आ रहा है, ऐसे स्क्वायर सॉरी सर्कल के अंदर भी आ रहा है, और ऐसे आपका स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आर हो जाएगा, चौथा आंसर आर, ठीक है। आर जो है वो तीनों है, डॉक्टर भी है, फार्मेस्ट भी है और नर्स भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वेन डायग्राम से ही है। ये वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर के थे, तो मैंने इसलिए इसे ऐड कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज प्रेजेंट ओनली इन द सर्कल एंड ट्रेंगल। कौन से नंबर है जो सर्कल और ट्रेंगल को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सर्कल और ट्रेंगल को प्रेजेंट करते हैं कौन से नंबर, तो जो 3 है यहाँ पर, 4 देखिए, 4, 4 जो है सर्कल में भी है और ऐसे ट्रेंगल में भी। अगर 3 देखते हैं तो 3 ऊपर आपके रेक्टेंगल में भी चला गया है, तो 3 नहीं होगा, 4 ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये सर्कल और ट्रेंगल दोनों में है, तो हमारा जो आंसर होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन द प्लेटफॉर्म मंजू सेड सी इज द सिस्टर ऑफ फादर ऑफ माई मदर सन्स हु इज द लेडी टू मंजू, ठीक है। इसमें दिया हुआ है एक मंजू, एक लेडी है यहाँ पे मंजू, ठीक है। वो एक लेडी की तरफ इशारा करती है और बोलती है, बताती है उसका रिलेशन, ठीक है, कि सी इज द सिस्टर ऑफ माई फादर। ये मंजू की जो फादर है उसकी सिस्टर है, ठीक है, और सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन, इनकी मदर का जो सन यानी इसका भाई, ठीक है, इसका भाई सन हो गया मंजू की। पूछ रहा है कि हु इज़ द लेडी, अब लेडी इसकी बुआ लगती है यानी आंट, तो इसकी जो लेडी होगी मंजू की आंटी होगी, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन है थर्ड आंटी, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।